नमस्कार दोस्तों, हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था भारत के भौतिक विभाग में हिमालय का वर्गीकरण भौगोलिक और प्रादेशिक। आज हम आपका अध्ययन करवाने जा रहे हैं गंगा का विशाल मैदान। सभी को नमस्कार। आज शुरू कर रहे हैं गंगा का विशाल मैदान, और जो गंगा का विशाल मैदान है उसको पढ़ा रहे संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर। संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर क्या आधार पर ढाल के आधार पर विभाजन है? किसके आधार पर? आधार पर ढाल विभाजन। इसी के साथ हम देखें यदि तो जो ये जो हमारा अध्ययन है वो हमने महाहिमालय के बारे में पढ़ा, तो ये जो हिमालय के दक्षिण में गंगा का मैदान है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बारे में गंगा के मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ढाल के आधार पर। तो सबसे पहले हम ढाल के आधार पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन कर रहे हैं भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर अगर इसका क्या देखें ढाल, तो हम ढाल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है भाभर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भाभर। भाभर प्रदेश। अभी जो भाभर प्रदेश है, इस प्रकार के प्रदेश का निर्माण इस प्रकार के प्रदेश का निर्माण इस प्रकार के प्रदेश का निर्माण शिवालिक, इसमें शिवालिक पर्वत श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में 8 से 10 किलोमीटर के मध्य है। तो भाभर प्रदेश कहाँ है? भाभर प्रदेश है शिवालिक प्रदेश, पर्वत श्रेणी में 8 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत स्थित है। ये क्या है? कंकड़ पत्थर। इसमें क्या है? कंकड़ पत्थर अर्थात जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। तो जलोढ़ पंख कहाँ पाए जाते हैं? जलोढ़ पंख भाभर प्रदेश में पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि कहाँ पाए जाते हैं। इसी के साथ यदि अगर इसमें क्या है, यदि नदियां छिप जाती हैं, नदियां छिप जाती है तो किसका निर्माण होता है? गुम्फित नदी बनती है। गुम्फित नदी का निर्माण होता है।
तो गुंभीर नदी का निर्माण कहाँ होता है? गुंभीर नदी का निर्माण भाबर प्रदेश के अंतर्गत होता है। जलोढ़ पंख कहाँ पाए जाते हैं? भाबर प्रदेश में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। इसलिए आप इसके बाद में यदि देखें तो तराई प्रदेश, तो ये रीट में आ गया। रीट 2018 में आया ही प्रश्न। तो तराई प्रदेश को हम देखें तो ये भाबर से अर्थात इससे भाबर से कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में बजेगा? दक्षिणी दिशा। और दक्षिणी दिशा में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। 15 से 30 किलोमीटर की क्या है? इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यहां कंकड़ पत्थर और रेत के जमाव के कारण क्या है, क्या हुआ? अगर चिकना हो जाता है, चिकनी मिट्टी का जमाव हो जाता है, चिकनी मिट्टी का जमाव हो जाता है और यह भाग दलदली बन जाता है, दलदली बन जाता है। तो ये बताइए दलदल कहां पाए जाते हैं? दलदल पाए जाते हैं तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं गंगा का विशाल मैदान, जो रीत का महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का भौतिक विभाग रीट का है। पटवारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होता है और ये जंगलों से घिरा रहता है। इससे घिरा रहता है, जंगलों से। अब इसमें देखें तो ये क्या है? हिमालय पर्वत, जो हमने पहले पढ़ा। अब इसके हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में नॉर्थ से दक्षिण दिशा क्या पाया जाएगा? गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान, अब इस गंगा के मैदान का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं? भौगोलिक दृष्टि अर्थात ढाल। तो ढाल क्या हुआ? नीचे की ओर अर्थात हिमालय पर्वत की नदियां निकल करके गंगा के विशाल मैदान में क्या करती है? उस भूमि को उपजाऊ बना देती है। देखिए ये क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक किसे कहा गया? एक महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा कहा शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। तो इसको, उप हिमालय को शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो शिवालिक के जस्ट ये कौन सी दिशा में? दक्षिण में। इसका मैदान है गंगा का मैदान है। जस्ट ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। और तुरंत ये जो नदियों का पानी आता है तो किसका यहाँ क्या बन जाते? भाभर। क्या बन जाते? भाभर। क्या बने? भाभर बने। ये बन गए, इसको कहेंगे हम भाभर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहेंगे? भाभर प्रदेश। ये महान हिमालय का अंतिम छोर शिवालिक, इसमें भाभर प्रदेश में कंकड़ पत्थर रेत पाए जाते हैं। इसलिए इसमें क्या? जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। देखिए भाभर में क्या बना? जलोढ़
पंख पूछे जाए जरोड़ पंख कहाँ बनते हैं, तो जरोड़ पंख बनता है भावर प्रदेश में। इसी के साथ नदियां क्या करती है, कंकड़ पत्थर में छिप जाती है, इसलिए गुम्फेते नदी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ाया भावर प्रदेश मानचित्रावली के माध्यम से। इन कंकड़ पत्थरों में जब पानी घिस जाता है तो घिसते वक्त ये कहाँ नीचे और नीचे जाकर के यहाँ फिर पानी दिखाई देता है और ये पानी दिखाई देता है, तो ये हो गया दलदली भाग, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। और ये तराई प्रदेश में क्या है, दल दली हो गया, दलदल दिखाई दे दिया। क्यों, कंकड़ और पत्थर चिकनी मिट्टी के कारण ये क्या हो गया, दलदली। तो हमने भावर के बाद में ये जो दलदल पढ़ाया, हम आपको बता रहे हैं ढाल के आधार पर गंगा का मैदान। कैसा लगा आज का ये हमारा क्लास, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तीसरे नंबर की बात करें तो हम आपको बताएंगे बांगड़ प्रदेश। और ये बांगड़ प्रदेश क्या है, बांगड़ प्रदेश का मतलब है कि जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, नदियों का पानी जहां नहीं पहुंच पाता उसे कहते हैं बांगड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहेंगे, बांगड़ प्रदेश। और इसमें क्या पाए जाते हैं, गुड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बांगड़ गुड़ नहीं, इसमें गुड़ नहीं पाए जाते, अर्थात पुराने जलोढ़ पाए जाते हैं, पुराने जलोढ़। कौन से जलोढ़ पाए जाते हैं, जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता उसको क्या नाम देंगे, बांगड़ प्रदेश। इसी के साथ फिर है बागर प्रदेश। बागर क्या होता है, बागर, बागर किसे कहेंगे, बागर किसे कहेंगे, बांगर प्रदेश। और तो इसमें बांगर में क्या है, बांगर प्रदेश में ही ऊपर से जब मुलायम मिट्टी हट जाती है, कौन सी मिट्टी, मुलायम मिट्टी हट जाती है, तो इसी में गुड़ पाए जाते हैं, गुड़ पाए जाते हैं। बताओ बांगर प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, गुड़। गुड़ कहाँ पाए जाते हैं, बांगर प्रदेश में। अब लास्ट में ढाल के आधार पर पढ़े तो है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश में क्या है कि जैसे ये भूमि है, ये हो गई खादर, जैसे गंगा का मैदान पंजाब और राजस्थान का भाग में आया, ये जो पूरा का पूरा है वो है खादर। क्या है, खादर प्रदेश है। अब इस खादर की बात करें तो ये क्या है, नवीन जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं नवीन जलोढ़ मैदान, नवीन जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। इसी के अलावा यदि हम देखें कि क्या, जहां नदियों का पानी प्रति वर्ष पहुंच पाता है तो वो भाग क्या है, खादर उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, खादर बिहार की है। तथा पंजाब में इसे क्या कहा जाता है, बेट, इसको ध्यान रखना, पंजाब में खादर प्रदेश को क्या कहा जाता है, बेट। और बांगर को क्या कहते हैं, ये खादर नवीन जलोढ़ और ये बांगर, बांगर को कहेंगे गुड़, रेह और काला। तो ये हो गया ये नवीन जलोढ़ खादर उत्तर प्रदेश और बिहार में, और पंजाब में इसे कहते हैं बेट। ये है
राजस्थान का भी है भूगोल में, लेकिन ये इंडिया के स्तर पर अध्ययन करें तो इंडिया का है गंगा का विशाल मैदान, जिसमें कई बार प्रतियोगी परीक्षा रीट में तराई प्रदेश के बारे में पूछा कहाँ दलदल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर था तराई प्रदेश। अब आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के भौतिक विभाग ने चाहे हिमालय पर्वत हो और चाहे वो भारत के भौतिक विभाग हो, यदि उनमें से प्रश्न उत्तर होते हैं तो ऑनलाइन क्लास से आप जुड़े रहें, ये प्रश्न इसमें से जरूर मिलेंगे, आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। अब यदि हम बात करें तो है हिमालय पर्वत के बाद में हमने आपको पढ़ाया क्या, किसका वर्गीकरण, गंगा के मैदान का किसके आधार पर, ढाल के आधार पर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक है विभाजन, और ये प्रादेशिक विभाजन किसका, गंगा के मैदान का, गंगा के मैदान का प्रादेशिक है विभाजन। तो देखिए गंगा के मैदान का प्रादेशिक विभाजन चार भागों में किया गया है, कितने भाग है इसके, चार। और सबसे पहला जो भाग है वो है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का मैदान, और दूसरा है इसी के साथ राजस्थान का मैदान है, राजस्थान का, राजस्थान का मैदान। तीसरे नंबर पे यदि हम गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है, और चौथे नंबर पे है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये कौन सा है प्रादेशिक विभाजन, किसके आधार पर है प्रादेशिक विभाजन है, इसमें जो ये पंजाब हरियाणा का मैदान कहां से कहां तक है, तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा का मैदान कहां से कहां तक स्थित है, तो ये सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज तक ये मैदान स्थित है। देखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसी भाग के अंतर्गत आती है। इसी के साथ
इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 75 लाख वर्ग किलोमीटर, 75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1,75,000 इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। इसी के साथ इसमें सतलज, ब्यास और रावी नदी का प्रवाह, सतलज, ब्यास और रावी नदी इसमें बहती है, सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी बहती है। इसमें ये बाढ़ग्रस्त है, इसमें 5 दुआब क्षेत्र है, अर्थात 5 दुआब क्षेत्र कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में। अभी 5 दुआब का मतलब क्या हुआ, 5 नदियों जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं, पंजाब 5 नदियों का संगम, जहां से 5 नदियां निकलती है। तो कौन कौन सी नदियां, सबसे पहले यदि देखें तो सतलज, ब्यास, रावी नदी, सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेल, चिनाब और झेलम, झेलम तथा सिंधु नदी मिलकर के क्या बनाती है, पंच दोआब, क्या बनाती है, पंच दोआब बनाती है, पंच दोआब। अब दोआब किसे कहते हैं, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इसी के साथ देखिए नदियों का नाम, नदियों का नाम, और सबसे पहले कौन सी नदी कौन सा दोआब बनाती है, सतलज, ब्यास, सतलज और ब्यास कौन सा दोआब बनाती है, ये बनाती है बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब कौन सी नदी बनाती है, तो सतलज और ब्यास। इसी के साथ ब्यास और रावी, व्यास और रावी ये कौन सा दोआब बनाएगी, ये बनाएगी बारी, बारी दोआब। इसी के साथ रावी और चिनाब, तीन में क्या है, रावी और चिनाब कौन सा दोआब बनाएगी नदियां, रचना, रचना दोआब। और चौथे में रावी के बाद में है चिनाब, झेलम, चिनाब और झेलम, झेलम तो ये बनाएगी कौन सा, चेल दोआब, कौन सा, चेल, चेल। और लास्ट में पांचवा जो दोआब है, झेलम, और झेलम के बाद में सिंधु, सिंधु ये कौन सी बनाएगी, लास्ट में जो दोआब है वो सिंधु सागर दोआब बनेगा, सिंधु सागर।
ये दुआ बने। अभी कहां से कहां बनी ये दुआ, ये दुआ कहां से कहां? तो सतलज और व्यास सबसे पहले देखिए कौन सी नदी आती है, सिंधु। ये नदी यहां से निकल करके और ये नदी कौन सी आ गई, ये नदी आ गई सिंधु। कौन सी नदी आई, सिंधु नदी आ गई। अब सिंधु नदी आई तो ये जो ये कौन सा सरोवर बह रहा है, ये बह रहा है सिंधु सरोवर, अर्थात सिंधु नदी का पानी यहां बह रहा है। अब कौन सी नदी आएगी यहां, झेलम। जैसे ये नदी झेलम, अब झेलम के बीच में कौन सा झेलम, और तो ये जो यहां तो ये आ गई झेलम, झेलम नदी आ गई। अब झेलम और सिंधु के बीच में कौन सा बन रहा है, ये नदी है झेलम से जस्ट नीचे, झेलम से नीचे है चिनाब, और झेलम चिनाब रावी व्यास, रावी और व्यास। समझ सकते हैं, धन्यवाद।